जल्दी जल्दी से आप लोग सारे आ जाओ, सही है, ताकि फिर अच्छा काम जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस कर लें, ताकि जल्दी जल्दी सारे आ जाइए। ठीक एक्सक्यूज मी सर, जी सर इस क्लास के बाद हमारा एक टेस्ट है, तो हम लोग जल्दी वाइंड अप कर सकते हैं। तो मैं बस आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, यू डू द क्वेश्चन एंड देन द क्लास राइट। ओके थैंक यू। सही है, मैंने इसलिए आप लोगों की पहली वाली क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी रखी थी, ताकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। आयशा माइक म्यूट करो। हाँ माइक कर दे, म्यूट मैंने कर दिया माइक। अच्छा जल्दी से आप लोग जरा देख लीजिए क्वेश्चंस फौरन फौरन। आपका पहला क्वेश्चन ये है, सही है, यू हैव टू सॉल्व दिस, सिंपली सॉल्व इट। मैंने वेबसाइट ढूंढ ली, मैं उसी से देख के कर लूंगा। ओके सो आर यू एट द सेम पेज, आर यू द सेम? यस सर। ओके कूल, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन, यस यस, 6 to 7, यस सर। जल्दी से आप लोग कीजिए, जल्दी से सही है, अभी कर दें। जी जी अभी करना है भाई, अभी करना है। आंसर्स भी चेक करते जाइए, देखिए इसका आंसर ये आ रहा है। x आ रहा है, जल्दी जल्दी सारे कर लीजिए। सर क्वेश्चन दिखाएं जी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना, वन सिंप्लीफाई, आमना आप बात कर रही है ना? यस सर। हाँ तो बेटा ये लिखा हुआ ना क्वेश्चन, ये रहा ये। सही है सर, इट्स वेरी इजी, आई एम डूइंग। ओके सर। जी जी कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, सिर्फ एलसीएम लेना है, एक्स कॉमन होगा, सिर्फ एक ही दफा एक्स बाहर निकल जाएगा, सही है, और आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30, क्योंकि 2, 3 6, 6 5 30, 2, 3 और 5 जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं वो कोई भी सेम नहीं है, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, राइट? यस सर। ओके ओके, ये वाला सवाल जल्दी से छाप लो। हो गया, सर एलसीएम 30 आ रहा है, 30 थर्टी एक्स आ रहा है, 30x, यस। अच्छा ये हो गया, सवाल हो गया ना सर? 2 मिनट। ओके सर आई हैव डन। ओके आमना आपने कॉपी कर लिया है ना क्वेश्चन? नो सर, मैंने अभी तक एलसीएम निकाला है, असल मैंने लेट ज्वाइन कर ली थोड़ी। अरे क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने सर? यस सर, क्वेश्चन तो कॉपी है, घर पे कर लूंगी मैं, घर पे मतलब अभी कर लूंगी। हाँ। अभी कीजिए, अभी कीजिए। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन ये रहा, यस सर। अच्छा देखिए इसमें x और x माइनस 2 जैसे मैंने बताया था, ये दोनों अलग इंसान हैं, यू डोंट ट्रीट देम कि x आ रहा है तो सही है x आ रहा है, नहीं, x और x माइनस 3 अलग लोग हैं। ओके सर डू दिस जल्दी से क्विकली। आमना भी वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला कर लो। क्वेश्चन 2 हो गया? नो सर। अच्छा करके जल्दी से। ओके सर
बेटा ये रिदा आपके पास ये पैरेट्स बोल रहे हैं या मोटो ई के पास बोल रहे हैं? नो सर मेरे पास नहीं बोल रहे हैं। आपके पास बोल रहे हैं? नो। अच्छा 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 क्वेश्चन टू देखें जल्दी से। इसमें करना ये दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो उनके एलसीएम कैसे आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर जी जी बोलिए सर, जब x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा ना? जी 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 ओके सर। डन डन ओके आमना आप मेरे क्वेश्चन 1 को जरा जल्दी से कंप्लीट करो। ओके सर। Sir, if we have one variable and one coefficient, so what will we do? Means we have one constant and one coefficient. So what will we do? Will we minus it or not? Just show it to me. Show your copy. Yeah, sir. Sir, sorry, it's very blur. अच्छा एक मिनट एक मिनट आप बताइए इक्वेशन बताइए आप क्या बोल रहे हैं? Sir, I am saying if we have 8x minus 24, what will we do? 8x minus 64. 24. अब ये देखिए इसके अंदर कुछ कॉमनैलिटी है। यस देयर इज कॉमनैलिटी। 8 कॉमन आप निकाल सकते हैं बाहर? यस सर। आप 8 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं? यस सर। यू factorize 8 as common, सही है? तो आपका equation अब ये हो जाएगी, देखते जाएगा। 8 common बाहर निकाल लिया आपने, ठीक है? Yes. ये हो जाएगा x minus 3. Okay sir. सही है? Yes. Sir done. Done. Okay. I'm done with the second question. Sir, done. Okay. यही कुछ आंसर आ रहा है आप लोगों का? सर अप वाला रॉन्ग है, नीचे वो जो अपॉन में है वो सही है। देखिए यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस x हो जाएगा, सही है? आप शायद ये मिस आउट कर गए हो, ये मिस आउट कर गए हो आप। यस सर आई हैव मिस्ड इट। देखिए कैसे, क्योंकि ये x माइनस 3 नीचे है यहाँ पे, इसके पास x नहीं है ना, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, x नहीं है उसके पास। x माइनस 3 अलग चीज होती है, x अलग चीज होती है, सही है? तो इधर जो माइनस 1 है यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें से x मल्टीप्लाई करवाए उसको। ओके सही, समझ में आ गई? यस सर। यस सर। Jump on to question number 3 now. Question number 3 ये कह रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, all you have to do is brackets multiply करा के expand करा के plus minus कीजिए और नीचे वाले bracket में से a square minus b square वाला formula लगाइए। देखिए ऊपर वाले bracket, देखिए यहाँ कोई LCM नहीं लेंगे हम, सही है? There is no LCM. तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड मतलब मल्टीप्लाई करवा देंगे ब्रैकेट्स को, और नीचे वाले जो ब्रैकेट है, नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर, उसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूलेशन लगा देंगे। ओके सर। ओके सर। डू इट क्विकली, डू इट क्विकली। रिदा आपके समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। ओके फाइक भाई आपके समझ में आया? यस सर। ओके व्हाट अबाउट द रेस्ट, सबके समझ में आया? यस सर। ओके
Sir, I have done. Okay. Is this the answer that you're getting? Yes, sir. Cool. Okay, sir, and question four. Okay. देखिए क्वेश्चन फोर ये है, आपकी इस डिवाइड का मतलब ये है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके आगे वाला जो फ्रैक्शन है उसको मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा. ओके ठीक है. डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी डू इज कि हम उसके आगे वाला फ्रैक्शन या उसके आगे वाली चीज को हम रेसिप्रोकेट करते हैं. सही है. ओके सर. ये मतलब न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर. सही है. okay, अच्छा इसमें एक और चीज है, अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा होता, फॉर एग्जांपल 5 लिखा होता, तो वी वुड हैव डन 1 अपॉन 5, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया 5 का क्या मतलब होता है, 5 अपॉन 1. सही है. तो जब उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 5. ओके सही है. इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, ये तो आसान से सवाल है. हो गया वाला सवाल. देखिए इसका आंसर ये आ रहा है, रिदर्स का आंसर आपके पास ये आ रहा है, आमना आपके पास आ रहा है ये आंसर. अनस आपके पास ये आंसर आ रहा है? नो सर. सर कैन यू प्लीज जी, आई एम डूइंग इट राइट नाउ. ओके ओके अच्छा टेक दिस एज क्वेश्चन 5 एज वेल. कॉपी क्वेश्चन 5 एज वेल. So is this our homework? Kind of like homework. Okay, sir. इसका आंसर भी देख लीजिए क्वेश्चन 5 का. कॉपी कर लेंगे अपने पास आंसर. क्वेश्चन 5 का आंसर ये रहा. सर एक मिनट ऊपर करिएगा. डन सर. ये है क्वेश्चन, ठीक है, और ये है इसका आंसर. क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लें. ये है. ओके सर. कर लिया सर.
इसका आंसर भी कॉपी कर लीजिए। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जो फ्रैक्शन है ना उनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन है। सही है? ओके सर। उनमें कुछ कॉमनैलिटी नहीं है। सही? ओके पीपल, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सही है? ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अल्लाह हाफिज। यस सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर एक मिनट, सारे क्वेश्चन साथ दिखा दें जी। सारे क्वेश्चन एक साथ दिखा दें एक दफा। बेटा मैं आपको जरा एक काम कीजिए, मैं चैट पे ना इसकी लिंक सेंड करता हूँ। यस सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए लिंक को। आपने कॉपी कर लिया आपने लिंक? आमना? यस सर, मैंने एक्सेस ले लिया। ओके ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Bye bye. See you tomorrow, guys. Sir.